और वहीं रविवार से इलाहाबाद में दो दिन की बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो रही है। पीएम मोदी समेत बीजेपी के सभी बड़े नेता इस महामंथन में हिस्सा लेने वाले हैं। बैठक में केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री, भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और पार्टी के सभी सांसद शामिल होंगे। बैठक में क्या कुछ रहेंगे मुद्दे और किसको लेकर क्या है तैयारियां, देखिए खास रिपोर्ट। संगम नगरी इलाहाबाद की सड़कें साफ तौर पर ये कह रही हैं कि यूपी के धार्मिक राजधानी में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। बैठक को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चर्चा की शुरुआत 12 जून को शाम 5 बजे अमित शाह के भाषण से होगी। 13 जून को पार्टी अपने राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव पारित करेगी। कार्यकारिणी का समापन पीएम मोदी के संबोधन से होगा। बीजेपी बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्य और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव लिए जाएंगे, उन प्रस्तावों पर पदाधिकारियों के बैठक में चर्चा होगी। तो इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश इकाई के द्वारा विशेष रूप से इलाहाबाद और इसके आसपास के जिले के कार्यकर्ताओं में जो एक उत्साह का संचार आया है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी एक विशाल जनसभा को, परिवर्तन सभा को 13 तारीख की शाम को संबोधित करेंगे। पार्टी हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव और यूपी सहित पंजाब, गोवा में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर भी चर्चा करेगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार की 2 साल की उपलब्धियों का विशेष तौर पर उल्लेख किया जाएगा। में एक प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है सरकार के 2 साल के जो कार्यकाल रहे, जो नीतियां रही, जो योजनाएं रही हैं गांव, गरीब, किसान के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, यह पूरी की पूरी एक प्रदर्शनी लगाई जा रही है। लोग जाएंगे प्रदर्शनी में, देखेंगे और वहां से अधिक जानकारी लेकर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के उसका प्रचार प्रसार करेंगे। कार्य समिति की बैठक के खत्म होने के बाद 13 जून की शाम को इलाहाबाद के परेड ग्राउंड में महारैली का आयोजन किया जाएगा। पीएम मोदी कार्य समिति के समापन संबोधन के बाद रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक ऐसे समय होने जा रही है जब पार्टी उत्तर प्रदेश में 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। यही वजह है कि राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के लिए इलाहाबाद का चयन किया गया है। अब सभी की निगाहें राष्ट्रीय कार्य समिति से निकलने वाले संदेशों पर टिकी होंगी कि आखिर बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं से बैठक के जरिए क्या संदेश देती है। कैमरामैन आरके के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज इलाहाबाद।